आज हमारे साथ बॉलीवुड स्टार मुंबई से सुशांत सिंह जी हैं। आज जानेंगे किसान आंदोलन पर इनकी क्या राय है। मैं तो भाई मैं राय क्या दूंगा, राय तो किसानों की चटनी, तो मैं तो साथ में खड़ा हूँ क्योंकि किसान परिवार से हूँ। मेरे दादा किसान थे, ताऊ चाचा सारे किसान हैं, मेरे भाई सारे ताऊ चाचा के लड़के वो खेती कर रहे हैं, तो वहीं से जुड़ा हुआ हूँ। बिजनौर का हूँ और चौधरी साहब महेंद्र सिंह टिकैत साहब उनका नाम सुन के बड़े हुए, वो एक बड़े हमारे किसान नेता निकले चौधरी चरण सिंह जी के बाद। तो मम्मी के परिवार से चौधरी साहब ये नेतृत्व कर रहे हैं और इस तरफ मैं कल आया था तीसरी पे, उसके बाद यहाँ तो आना ही था क्योंकि अपने साइड के जितने यूपी वाले थे यहीं पे यूपी उत्तराखंड तो मिलने आना ही था। मैं तो किसानों के साथ हूँ, किसानों की जो भी मांग हो वो पूरी हो, क्योंकि किसानों के बारे में जो बिल है उनसे बेहतर तो कोई समझ ही नहीं सकता। अगर वो ना इससे नाराज हैं, खुश नहीं है, तो बिल गलत ही है, इससे ज्यादा तो हमें जानने की जरूरत ही नहीं। देखिए हमारे साथ सुशांत सिंह जी हैं, बीकेयू के पेज पर लाइव हैं और आप देख रहे होंगे कि किस तरह से उनकी बेबाक राय है। और मैं आपको याद दिला दूं कि जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था बॉलीवुड से कुछ नेगेटिव खबरें निकली थी, लेकिन सुशांत सिंह जैसे और हमारे जो दूसरे पंजाब के भाई हैं दलजीत सिंह जी, उनके जैसे लोगों ने खुलकर किसान आंदोलन का समर्थन किया और उस तरह की एक नकारात्मक जो ताकतें थी जो शक्तियां थी उनको समाप्त करने का काम किया। सुशांत सिंह जी आप बिजनौर से हैं, टिकैत साहब के सानिध्य में पले बढ़े हैं और आप जो है बहुत नजदीक से किसान आंदोलन को देखते रहे हैं, तो बस मैं इतना ही जानना चाहता हूं कि जब मुंबई में जो है इस तरह की नकारात्मक चीजें चलाई जाती है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो आप जैसे किसान बच्चे किसानों के परिवार से जो बॉलीवुड में गए हैं अपनी बात को वहां भी सशक्त रखते हैं, तो आप इस संबंध में जो आपके दूसरे साथी हैं क्या कभी उनसे भी राय हुई कि देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसका क्या कारण है, क्या तरीके हैं, इस तरह की कोई चर्चा होती है बॉलीवुड में? जी ऐसा देखिए ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड एक कोई परिवार जैसा है जहां पे सब लोग शाम को मिलते होंगे या सबकी फोन पे बात होती होगी, और मैं बड़ा नॉन फिल्मी टाइप का आदमी हूँ, मेरे कोई ज्यादा फिल्मी दोस्त भी नहीं, घर पे रहता हूँ, जो दोस्त मेरे स्ट्रगल के टाइम पे बने थे वही दोस्त थे, तो उनसे ही बातचीत होती है और वो सब अपनी जैसी सोच वाले हैं। और बॉलीवुड या बाकी चीज आप छोड़ दीजिए, मुंबई में अभी दो दिन पहले भी वहां पर किसान आंदोलन के समर्थन में एक रैली हुई थी, मोर्चा हुआ था, मैं वहां भी गया था, काफी सारे लोग आए थे। उससे पहले भी करीब महाराष्ट्र के 10,000 किसानों ने आकर के मुंबई में प्रदर्शन किया था और अभी भी आजाद मैदान में और महाराष्ट्र के किसान आके वहां बैठने वाले हैं, महाराष्ट्र के कई भाई यहां आंदोलन में पहुंचे भी हैं। तो दो चार आवाजें तो भाई नेगेटिविटी की हर आंदोलन में उठती हैं और पूरा हक है, उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है जी, अगर उन्हें गलत लगता है, दो चार आवाजें जो गलत है उनको लगता है गलत है तो वो बिल्कुल उन्हें बोलने का पूरा हक है, लेकिन हम जो हैं जो समझते हैं जो समर्थन में हमें समर्थन में बोलने का पूरा हक है, तो ये तो डेमोक्रेसी है और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि लड़ाई तो होनी थी, अपने हक की मांग हो रही है और बड़ी पीसफुल शांतिपूर्ण तरीके से हिंसात्मक तरीके से अपने हक की मांग हो रही है और वो मानी जानी चाहिए, सुनी जानी चाहिए। अभी तक वार्ताएं जितनी भी हुई हैं सरकार के साथ उनका कोई नतीजा नहीं निकला, तो बड़ा ही दुखद है क्योंकि इतने 50-60 दिन होने को आ गए, किसानों को 2 महीने तकरीबन होने को आ गए, सड़कों पर बैठे बैठे कितने लोगों की जान चली गई, इसमें शहीद हो गए, उसके बाद भी अगर नतीजा ना निकले बैठकों का तो ये चिंताजनक है। बाकी आगे जो 26 जनवरी का कॉल है, मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से, जिस रास्ते पर अब तक चले हैं हिंसा के रास्ते पर, किसानों ने तो अब तक कोई हिंसा की नहीं, उनके साथ ही हुई है हिंसा, और मुझे पूरा विश्वास है कि किसानों की तरफ से 26 जनवरी को भी पूरा शांतिपूर्वक आयोजन होगा जो भी हो। तो सरकार से भी ये अपील है कि इसमें सहयोग दें, अपनी जायज मांग रखें, और 26 जनवरी को ऐसा दिन है जिस दिन गणतंत्र बना था, जिस दिन हमारा संविधान जो है यहाँ मान्य हुआ था, तो संवैधानिक तरीके से मांग कर रहे हैं उस दिन, तो इनको प्रोटेस्ट की पूरी इजाजत होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बाकी दलजीत सिंह और आप जैसे लोगों के बाद एक बहुत चर्चित नाम है स्वारा भास्कर जी, जी, और वो पिछले 15-20 दिन से जिस बहादुरी के साथ वो लड़की किसान आंदोलन के साथ खड़ी है और लड़ रही है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, वो बड़ी दिलेर और जुझारू लड़की है, वो चाहे NTCA प्रोटेस्ट रहा हो या और भी कोई भी अन्याय रहा हो, वो भी खुल के बेबाकी से अपनी राय रखती है। वो है जीशान अयूब है, ऋचा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं,
ऐसा नहीं कि अगर कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो बोल भी रहे हैं। नकुल मेहता एक और हमारे साथी हैं, फिर बहुत सारे लोग हैं जो हर जब भी जहां किसी के साथ भी अन्याय होता है उन्हें चाहे पर्सनली फर्क पड़ता हो ना पड़ता हो, लेकिन चूंकि हमें लगता है कि हमारी आवाज ज्यादा लोग सुनते हैं तो हमें लगता है हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोग जिनकी आवाज ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच रही है उनकी आवाज को एक शक्ति दें अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, हमें लगता है हमारी जिम्मेदारी है तो हम करते हैं और अपना समझ के करते हैं जी। ऐसा नहीं कि हम किसी और के लिए कर रहे हैं, हमारे ही देश के लोग हैं और देश हमारे बच्चों का ही है। देश का भविष्य अच्छा होगा तो हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा होगा, तो हम लड़ रहे हैं। मैं सारी लड़ाई जो भी लड़ता हूं जी मैं किसी और के लिए नहीं लड़ रहा, मैं तो आप स्वार्थी कह लो, मैं तो अपने बच्चों के लिए लड़ रहा हूं। देखिए सुशांत सिंह ने जिस तरह से अपनी बात रखी और ये भारतीय किसान यूनियन का ऑफिशियल पेज है, आप इसे ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। और एक अपील आज मैं भी करना चाहता हूं भारतीय किसान यूनियन के माध्यम से कि जो अपने बच्चे हैं अपने कलाकार हैं उनको अभी आपने सुशांत सिंह जी को सुना और जिस तरह से उन्होंने अपनी राय रखी, तो भारतीय किसान यूनियन की ओर से मैं भी एक अपील करता हूं कि जो आज साथी हमारे इस आंदोलन में हमारे साथ खड़े हैं डिस्टर्ब होता है। इस बार सारे हमारे किसान भाइयों ने सोशल मीडिया की ताकत भी पहचानी, तो फेसबुक यूट्यूब सब जगह। तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि हमारे जो कैमरे स्क्रीन पर हैं सुशांत सिंह जी हैं उनको आप किसान के साथ खड़े हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि उनकी जो भी मूवी आए जो भी चीजें आए उनको ज्यादा से ज्यादा आप जो है ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करें, ज्यादा से ज्यादा उन बॉलीवुड में उन बच्चों को उन स्टार को बढ़ाएं जो किसान परिवार से हैं, किसान संस्कृति को आज भी जानते हैं, भोले नहीं हैं। तो हमारा सभी लोगों से सभी किसान से एक अपील ये भी है कि जब भी सुशांत सिंह जी की कोई अब नेक्स्ट फिल्म रिलीज हो तो आप दिखा दो कि आप हमारे साथ खड़े थे तो हम आज आपके साथ खड़े हैं। और उन्होंने जिस तरह से 26 जनवरी पे अपनी बात रखी है, पर मैं सिर्फ इतना कहूंगा भाई मेरा कोई भी काम अगर ट्रेलर देख के अच्छा लगे तो ही देखना, कोई जबरदस्ती नहीं है कि चूंकि मैं साथ में खड़ा हुआ किसान आंदोलन के तो मेरी फिल्म और कुछ भी देखना, और मैं अपने प्रमोशन के लिए आया नहीं। मेरा आगे जो भी काम होगा उसका अलग प्रमोशन होगा, वो मैं यहाँ करूंगा नहीं कि कौन सा आने वाला कौन सा नहीं आने वाला। अच्छा कि अभी आपने सुशांत सिंह को सुना और टिकेत साहब जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और लगातार इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, लोहा ले रहे हैं सरकारों से, और एक कहावत है और लोग आकर बार बार आके टिकेत साहब से पूछते हैं कि देखिए देश में तो दो तीन सरकारें जो हैं गिर गई, विधायक खरीद के 20-20 30-30 40-40 50-50 लोग खरीद लिए गए, सरकार की सरकार गिरा दी। लेकिन आप ऐसा क्या है किसानों में कि सरकार आपको टच से मस नहीं कर पा रही है? तो जिस तरह से सुशांत सिंह ने बेबाकी से अपनी राय रखी, मैं टिकेत साहब से भी विनती करता हूं कि वो सुशांत सिंह जी के लिए क्या कहना चाहेंगे। देखो हमारा ये है कि इन लोगों ने हमारा साथ दिया, सुशांत सिंह जी ने यहाँ पे आए और रात को 10:30-11 बजे भी आए, तो इनकी एक सोच है कि मैं किसान के साथ में खड़ा हूं और जहां से ये आते हैं पूर्ण रूप से गांव ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, बिजनौर जो खास करके गन्ने की बेल्ट सबसे बढ़िया है, और अभी ये यहां पर आ गए तो अभी अगले हफ्ते तक इनको जरूर नोटिस चला जाएगा। सब लोग ध्यान रखना, अगर इनको नोटिस जाता है तो पूर्ण रूप से आंदोलन में जो लोग भी साथ देंगे समर्थन देंगे ये उस चीज से भी ऊपर होकर यहां पर आए कि अगर नोटिस भी आएगा तो मैं उसको भी झेल लूंगा, तो वो भी इनको झेलना पड़ेगा क्योंकि सरकार है। तो अरे ये तो बताया नहीं था किसी को, साथ रहे तो ये है। देखो यहाँ पे जो भी लोग आंदोलन में आ रहे हैं वे सब लोग वो हैं, वो अपनी जमीन जायदाद घर बार सब पूर्ण रूप से दांव पर लगा कर आ रहे हैं, और जो 40 गठबंधन के लोग हैं उसमें कमजोर कड़ी एक नहीं है। सरकार डिगा नहीं सकती, बिल वापसी होंगे, जब भी घर वापसी होगी, एमएसपी पे कानून बनेगा, जो सरकार पिछले 4 दिन से जो घुमाने का काम हमको कर रही थी आज जिस तरह से जो भी बातचीत होगी एमएसपी से ही बातचीत की शुरुआत होगी। ये सब लोगों का वो है कि हमको सरकार घुमाने की कोशिश वहां पर कर रही थी और ये कहती थी कि एमएसपी को लंच के बाद मिलेंगे, एमएसपी को चाय के बाद मिलेंगे, एमएसपी को तोड़ना चाहती है। किसान आंदोलन वैसे नहीं टूटा तो पंजाब हरियाणा और अदर स्टेट को तोड़ना चाहती है, वो उनकी बात समझ में आ गई है।
हमने पूर्ण रूप से समझ लिया है। तो कल जो भी भारत सरकार से बातचीत होगी वो बातचीत एमएसपी से बातचीत शुरू होगी, तीन बिल से बातचीत शुरू होगी, एमएसपी भी पे भी कानून बनेगा, तीन बिल पे भी कानून बनेगा, जब ही कोई आगे बात चल पाएगी। तो पूर्ण रूप से आप सब लोग देश के किसान ये ध्यान रखें कि जब आप 26 तारीख के लिए 25, 23 और 24 तारीख में आप चले दिल्ली घेरनी है तो दिल्ली मजबूती से घेरनी पड़ेगी। जिस हिसाब से अभी दिल्ली को घेरना है उस हिसाब से अभी दिल्ली घिरी नहीं, सरकार अभी मानने को तैयार नहीं है। आप लोग शांति से हमको प्रदर्शन करना है, आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से आओ। बहुत बड़ी संख्या में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के लोग, राजस्थान के लोग ट्रैक्टरों से आ रहे हैं, करीब 400-500 किलोमीटर से लोग ट्रैक्टरों से आ रहे हैं। जो आपको रूट दिया जाएगा, अभी जो रिंग रोड है दिल्ली के अंदर उसका रूट हमने भी दिया है, पुलिस प्रशासन से आज बातचीत हुई होगी, क्या बातचीत होगी, एक दो दिन में क्या उसका वो निकल करता है, फिर जो भी हम आपको रूट बताएंगे, जो भी किसान मोर्चा रूट बताएगा आपको उसी रूट पर चलना है। कौन आदमी किस रूट से आएगा, उसको दिल्ली में कहां तक जाना, वो पूरा बाकायदा आपको रूट दिया जाएगा, आप उससे अलग नहीं जाओगे। क्योंकि कई लाख ट्रैक्टर होंगे तो व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है बनाने के लिए। और आज हमने सब पार्टियों के लोगों से झंडे मांगे हैं, जो नेशनल फ्लैग है वो हमने मांगा है, टीवी चैनल के ऊपर मांगा है। तो देखते हैं कि राष्ट्रवादी वे सबसे बड़े हैं या हम नेशनल फ्लैग मांग रहे हैं तो वे देते हैं या नहीं देते हैं। ये मेरी अपील है सबसे यहाँ पे न्यूज चैनल वालों ने, जिन लोगों को ये कहते हैं कि ये खबरें नहीं दिखाते, उन चैनल वालों ने झंडा देने के हमको काम करे। बहुत लोग हैं कि हम झंडा दान में मांग रहे हैं, हमको झंडे चाहिए, नेशनल फ्लैग चाहिए, वे हमको दें। जो भी नेशनल फ्लैग देगा उसका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आएंगे झंडा लगा कर आएंगे, नेशनल फ्लैग लगा कर आएंगे, अपनी आइडेंटिटी दिखा कर आएंगे, दिल्ली में आएंगे। जो ट्रैक्टर हमारा 15-15, 20 और 40-40 साल तक खेत में जिसने काम करा, वो दिल्ली की सड़कों को, चमचमाती सड़कों को दिल्ली को देखेगा, दिल्ली में चलेगा। और दिल्ली के वासी पूर्ण रूप से इसलिए तैयार हैं कि उन ट्रैक्टरों को हम तिलक करेंगे, उन ट्रैक्टरों के ऊपर हम पुष्पों से वर्षा करेंगे, वो भी देखना चाहता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी ऐतिहासिक नेशनलिज्म परेड होगी, राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन, किसान क्रांति गेट, गाजीपुर, दिल्ली।